हेलो फ्रेंड्स, नैनाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और पनीर की सब्ज़ी। बिल्कुल ही इजी रेसिपी है, इसको बनाने में कोई झंझट नहीं है। लेकिन आशा करती हूँ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और ये आलू और पनीर की सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और पनीर की सब्ज़ी। मैंने पनीर 200 ग्राम लिया है और इसको मैंने मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया है इस तरह से, और आलू को भी मैंने मोटा मोटा ही काटा है। इसके अलावा और जो सामग्री इसको बनाने में लगेगी वो है टमाटर। मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर काटे हैं। 1 कटोरी प्याज मैंने ली है काट के। इसके अलावा मैंने लिया है लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा 1 टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा जो मसाले चाहिए उसमें है हल्दी, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी जो मैंने भून के क्रश करके रखी है, और इसके अलावा जीरा और तेज़पत्ता और थोड़ा नमक और एडिबल ऑयल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने पैन गैस पे चढ़ा दिया है और गैस ऑन कर दी है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। और इसमें मैं पहले आलू को फ्राई कर लूँगी। तेल गर्म हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, जिसको मैं थोड़ा गोल्डन करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। इसको मैं ढक के थोड़ी देर पकने दूँगी। ये आलू मेरे जब तक गोल्डन फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं इसमें मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो मिक्सर जार में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन और प्याज, और अदरक को मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया, और उसी मिक्सर जार में मैं ये टमाटर का भी पेस्ट बना लेती हूँ। आलू अब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और ये पूरी तरह से कुक भी हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब इसी बचे हुए तेल में मैं पनीर के क्यूब्स को भी फ्राई कर लेती हूँ। पनीर अब हल्के फ्राई हो गए हैं और मैंने गैस को हल्का कर दिया है, और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब इसी बचे हुए तेल में मैं डाल रही हूँ सबसे पहले जीरा और ये 3 तेज पत्ते, छोटे छोटे तेज पत्ते हैं। जीरा चटक जाता है तो मैं इसमें डाल दूँगी ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट। जीरा चटक गया ऐसे, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसमें प्याज भी मैंने पीस रखा है, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। प्याज अच्छी तरह से भून गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिला के कुछ देर भून लूँगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और अब मैं इसको ऐड करके साथ साथ भून लूँगी। मसाला पूरी तरह से
भुन गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, और इसको थोड़ा उबाल आने दूंगी। ग्रेवी में अब उबाल आ गया है और मैं इसमें डाल देती हूँ ये भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये आलू जो मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रखे हैं। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, आलू ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये पनीर। इनको भी मैंने फ्राई करके ही रखा है, आप चाहें तो कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और उसको 2 मिनट और कुक होने दूंगी। ये सब्जी अब पूरी तरह से बनके तैयार है और अब मैं इसको धनिया पत्ता से गार्निश कर दूंगी। आलू और पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी है, आप भी इसे बना के ट्राई करें और अगर ये आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।